नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज़ जिसमें आज हम देखने वाले हैं मत्स्यन यानी कि फिशिंग के बारे में। दरअसल ये अपना जो टॉपिक चल रहा है या चैप्टर आप कह सकते हैं, ये चल रहा है एग्रीकल्चर वाला। एग्रीकल्चर और जो अलाइड सेक्टर्स होते हैं वो वर्ल्ड के, है ना, तो उसमें हम आज जानेंगे मत्स्यन के बारे में। पिछला जो लेक्चर था उसमें हमने जलवासी पशुचारण के बारे में और व्यापारिक पशुचारण में और ऋतु प्रवासन क्या होता है इनके बारे में हमने जानकारी हासिल की थी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। मत्स्यन मतलब क्या हो गया भाई? मछली पकड़ना महासागरों में, है ना। तो महासागर जो है वो जल के भंडार ही नहीं है बल्कि उनमें बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन भी पाए जाते हैं, और उन प्राकृतिक संसाधनों में से मछली जो है वो एक महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। और मछली पकड़ना, देखिए प्राचीन काल से ही पकड़ते हैं मछली तो, है ना। जो जो सागर के किनारे रहते हैं वो मछली तो पकड़ेंगे ही, जैसे कि बंगाल में आप देख सकते हो, तमिलनाडु में आप देख सकते हो, केरला में आप देख सकते हो, है ना। अगर एक अनुमान के अनुसार देखा जाए तो कुल मछली जो उत्पादन होता है उसका लगभग 50% तो खाने के लिए और रूप में यानी भोजन के रूप में, 15% पशुओं को खिलाने के लिए, और लगभग 24% सुखाकर चूर्ण और रासायनिक खाद बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और 10% जो है वो चर्बी और तेल प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इतना सारा डेटा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप तो इतना याद रख लो कि जितने भी मछली पकड़ी जाती है उसमें से लगभग लगभग 50% खाने के काम में आती है। और एक मछली होती है कॉड मछली, अगर दिखाएंगे आपको, तो कॉड मछली जो होती है उसके लीवर से कॉड लीवर तेल निकाला जाता है ना। अब देख लेते हैं कि मछली जो है वो कहाँ कहाँ पर पाई जाएंगी, कहाँ कहाँ मछली पकड़ने का व्यवसाय किया जा सकता है। तो इसके लिए एक तो चाहिए कटे फटे तटीय भाग। कटे फटे तटीय भाग क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो है आपकी जो नावें वगैरह हैं, जहाजें वगैरह हैं, वो आराम से जा सकती है, और इन कटे फटे भागों में मछलियाँ ज़्यादा रहती है, क्योंकि कोस्टल एरिया में तो मछलियाँ ज़्यादा रहती है। उथला समुद्र चाहिए यानी कि गहरे समुद्र में मछलियाँ कम पाई जाती है। मैक्सिमम जो मछलियाँ पाई जाती है वो जो अपना जो कोस्टल एरिया होता है ना वहीं पर पाई जाती है मैक्सिमम मछलियाँ, है ना। फिर गर्म और ठंडी विपरीत स्वभाव वाली महासागरीय धाराएं जहाँ मिलती हैं वहाँ पर मछलियाँ खूब पैदा होती है। मैं जब आपको महासागरीय धाराओं वाला चैप्टर पढ़ा रहा था तब भी मैंने आपको ये बताया था। और क्योंकि जहाँ ठंडी और गर्म मछलियाँ बने, जो ठंडी और गर्म जलधाराएँ मिलेंगी वहाँ पर जो है वो प्लैंकटॉन्स होते हैं, वो प्लैंकटॉन्स खूब जन्म लेते हैं, और उन प्लैंकटॉन को खाने जो वो प्लैंकटॉन भोजन बनती है मछलियों का, इसलिए जब भोजन ज़्यादा है तो मछलियाँ भी खूब वहाँ पर फलती फूलती है। फिर तीव्रगामी परिवहन के साधन होने चाहिए, है ना। तो तीव्रगामी परिवहन के साधन जो है वो भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी मछली पकड़ने के व्यवसाय को विकसित होने में। अगर मान लो जहाँ पर तीव्रगामी परिवहन के साधन ही नहीं है तो वहाँ पर मछली पकड़ने का व्यवसाय फलेगा फूलेगा नहीं। फिर अच्छा हैबिटेट भी होना चाहिए, अच्छा आश्रय स्थल होना चाहिए, और बंदरगाह जो नावों और जहाज़ों को रुकने में सहायता करे इस प्रकार की व्यवस्था भी होनी चाहिए। अगर बंदरगाह ही नहीं है तो मछली पकड़ के लाएंगे कहाँ, है ना, बंदरगाह पर तो लाएंगे, है ना, उस प्रकार से ये व्यवस्था हो। फिर जलवायविक अनुकूलताएं भी होनी चाहिए, जैसे शीतोष्ण प्रदेशों की मछलियाँ होती है वो जलवायु प्रदेश जो शीतोष्ण जो क्षेत्र होता है, प्रदेश होता है, वो मछलियों के लिए बड़ा उपयोगी होता है, क्योंकि मछलियाँ जो है वो ठंडे पानी में ज़्यादा पैदा होती है, क्योंकि वहाँ पर उनको खूब ऑक्सीजन की प्राप्ति होती रहती है। और मछलियों का व्यापारिक महत्व भी देखिए बहुत अधिक होता है, जो शीतोष्ण कटिबंध की मछलियाँ होती हैं उनका। अभी देखेंगे क्यों ऐसा होता है आगे। अब देखो जलवायु के आधार पर हम मत्स्य क्षेत्र को बहुत सारे भागों में बांट सकते हैं, जिनमें से एक है उष्ण कटिबंधीय मत्स्य क्षेत्र। उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या होगा कि जो अपनी इक्वेटर है उससे 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री लगभग दक्षिण के बीच में जो मछलियों का जो क्षेत्र पाया जाता है, जहाँ पर मछली पकड़ी जाती है, उस क्षेत्र को कह सकते हैं हम उष्ण कटिबंधीय मत्स्य क्षेत्र। और इस उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में देखिए कुछ ज़्यादा बड़े पैमाने पर मछलियाँ यहाँ पर नहीं पकड़ी जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो मछलियाँ पाई जाती हैं ना वो मैक्सिमम मछलियाँ खाने योग्य नहीं होती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की मछलियाँ ज़्यादा जो मछलियाँ खाने योग्य नहीं होती है। इसके अलावा देखें यहाँ पर गर्मी खूब पड़ती है, इसलिए गर्मियाँ खूब पड़ेगी तो मछली ऐसे जीव हैं जो सी फूड होता है ना वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है। हाँ, तो अगर यहाँ पर खूब गर्मी है इसकी वजह से यहाँ पर ये खराब बहुत जल्दी हो जाती हैं। फिर साथ ही साथ प्लैंकटोन्स की भी यहाँ कमी पाई जाती है, क्योंकि प्लैंकटोन्स जो है वहाँ पर जहाँ पर थोड़ा सा ठंडा वाला इलाका होता है वहाँ पर ज़्यादा उगते हैं प्लैंकटोन्स, थोड़ा ठंडा और गर्म जो धाराएं जहाँ मिलती है वहाँ पर हो गया, है ना। फिर अगर देखा जाए तो तट रेखा भी जो है जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है वहाँ पर जो देशों की तटरेखाएं हैं वो भी सीधी सीधी पाई जाती है, यानी कि कटी फटी नहीं पाई जाती, इस प्रकार से एकदम सीधी पाई जाती है। तो सीधी पाई जाती है तो वहाँ पर मछलियाँ देखिए कम पैदा होती है, और वहाँ पर ये
बंदरगाह वगैरह हैं वो भी बनाना मुश्किल हो जाता है। इसकी वजह से जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में मछलियाँ जो है उनका आर्थिक अगर आप कहो कि महत्व तो बहुत ही कम पाया जाता है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो जो निमग्न तट होता है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में बहुत कम विस्तृत होता है। निमग्न तट मतलब जो हमने जब हम पढ़ रहे थे महासागर का नितल का उच्चावस्त, तब हमने आपको बताया था महासागरीय मग्न तट होता है, महासागरीय ढाल होती है। तो महासागरीय मग्न तट जो है इस क्षेत्रों में वो थोड़े कम विस्तृत होते हैं, इसलिए हमारे ये जो उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र है वहाँ पर कम जो है मछली उत्पादन किया जाता है, क्योंकि यहाँ की मछली ज़्यादातर खाने योग्य भी नहीं होती। इस उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में आ जाता है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का क्षेत्र, ठीक है ना। तो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर का क्षेत्र, देखिए हिंद महासागर है और ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, इनका उष्णकटिबंधीय वाला क्षेत्र जो है इसके बीच में वाला ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर ये मछलियाँ पकड़ी जाती है। पहला इसका भाग हम देख लेते हैं। तो जो हिंद महासागर और प्रशांत महासागर में ये फैले हुए एशिया के द्वीप इंडोनेशिया वगैरह वाला क्षेत्र हो गया, यहाँ पर ये मछलियाँ पकड़ी जाती है, जिसमें से हेरिंग, सार्डिन, इनको भी मछलियाँ ऐसी प्राप्त होती है। देखिए ये है हेरिंग मछली, ये हेरिंग है और ये सार्डिन है, सार्डिन, ये सार्डाइन जो लिखा है ना इसका मतलब है सार्डिन, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये सार्डिन मछलियाँ देखिए ये गुच्छों में इसे ग्रुप में ही रहती है, तो ये मछलियाँ यहाँ पर पाई जाती है हिंद महासागर वाले क्षेत्र में। फिर आ जाता है मध्य अटलांटिक का पश्चिमी क्षेत्र, तो ये अटलांटिक हो गया, अटलांटिक ओशन हो गया, माफ कीजिएगा, ये अटलांटिक है, ये अटलांटिक हो गया और इसका मध्यम पश्चिमी क्षेत्र ये वाला जो क्षेत्र हो गया यहाँ पर मछली उत्पादन यहाँ पर की जाती है, खासतौर से जो कैरेबियन सागर और मेक्सिको की खाड़ी है वहाँ पर ये मछली उत्पादन किया जाता है। तो देखिए ये मेक्सिको वाला तट हो गया यहाँ पर और ये यहाँ पर कैरेबियन सागर जो है, यहाँ पर कैरेबियन सागर है तो यहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। फिर तीसरा क्षेत्र आ जाता है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, यह तीसरा क्षेत्र मध्य प्रशांत महासागरीय पूर्वी क्षेत्र जो होता है वहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए उसका उत्पादन किया जाता है कहाँ पर, अच्छा मध्य प्रशांत महासागरीय, माफ कीजिएगा, मध्य प्रशांत महासागरीय वाला ये वाला क्षेत्र जो है जहाँ पर पेरू, पनामा और पश्चिमी मेक्सिको के तट आते हैं वहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। और जो उष्णकटिबंधीय मछलियाँ हैं वो तो देखिए खाने योग्य में ज़्यादा नहीं होती है और यहाँ पर उत्पादन भी ज़्यादा नहीं होता है ना। दूसरा क्षेत्र जो आ जाता है जहाँ पर महत्वपूर्ण रूप से और मुख्य मुख्य रूप से मछलियों का उत्पादन होता है वो होता है शीतोष्ण कटिबंधीय मत्स्य क्षेत्र, और विश्व के अधिकांश मछलियाँ जो है वो शीतोष्ण कटिबंधीय मत्स्य क्षेत्रों से ही आती है। इस क्षेत्र में मछलियों के व्यापार और रख रखाव की बहुत बढ़िया सुविधाएं होती है, और इस क्षेत्र में देखिए कटे फटे जो तट है वो वहाँ पर पाए जाते हैं और सुरक्षित बंदरगाहों के कारण मछलियाँ पकड़ने की सुविधा यहाँ पर खूब ज़्यादा होती है। और शीत यहाँ पर जलवायु देखिए शीत होगी, थोड़ी ठंडी जलवायु होगी, इसकी वजह से मछलियाँ जल्दी ख़राब भी नहीं होती है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या हो रहा था, गर्म जलवायु है तो सी फूड वैसे जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सबसे बड़ी अनुकूल दशाएं तो क्या होती है, गर्म और ठंडी जलधाराएं इस क्षेत्र में आकर मिलती है शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। और जहाँ जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलेंगी वहाँ पर क्या होगा, कोहरा छाएगा, प्लैंकटॉन्स खूब पनपेंगे और वहाँ पर मछलियों का उत्पादन खूब ज़्यादा होगा, ठीक है। इसके अलावा इस क्षेत्र में जो बहुत सारे देश हैं उन देशों में कृषि योग्य भूमि भी नहीं है, जैसे अभी हम आपको आगे डिस्कस करेंगे एक एक क्षेत्र कौन सा है। जैसे जापान है तो जापान में कृषि योग्य भूमि ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर अगर हम देखें न्यू फार्मलैंड वाला द्वीप है तो यहाँ पर नोवा स्कोशिया और वो क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा कृषि योग्य भूमि नहीं है, इसलिए कृषि योग्य भूमि नहीं है तो लोग किस पर डिपेंड होंगे, मछली पालन पर, है ना। तो इसलिए यहाँ पर मछलियाँ जो है उनका उत्पादन ज़्यादा किया जाता है। साथ ही साथ इस क्षेत्र में अगर एक और चीज़ देखी जाए तो मछलियाँ जो होती है ना वो एक ही प्रजाति की ज़्यादा मिलती है ना। जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तो क्या होगा कि अगर आप मछली पकड़ोगे, जाल डालोगे मछली पकड़ने के लिए, तो इसमें अलग अलग प्रकार की प्रजातियों की मछलियाँ आएंगी, कोई सारडिन आ रही है, कोई दूसरी मछली आ रही है, कोई, है ना, तो अलग अलग प्रकार की मछलियाँ आती है, उनमें से ज़्यादातर तो खाने योग्य भी नहीं होती है। परंतु जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र होता है इसमें एक ही प्रकार की मछलियाँ मिलती हैं ज़्यादातर, यानी कि सार्डिन है तो सार्डिन ही सार्डिन आपको मिलेगी, हाँ इस प्रकार से, तो आप वो पकड़ो और फिर आप जो है सेलमन मिलेगी तो सेलमन ही सेलमन मिलेंगी, तो इस प्रकार से फिर उनका उत्पादन जो है ज़्यादा किया जाता है। और मान लो अगर आपको बेचनी है तो आप ऐसा तो थोड़ी हो कि एक डिब्बे में 10 प्रकार की मछलियाँ लेके बेच रही हूँ, तब क्या होगा कि भाई एक प्रकार की मछली है कि सार्डिन सार्डिन है तो सार्डिन को आप पूरा उत्पादन करके पूरे फैक्ट्री स्थापित करके पैक करके बेच दोगे, तो इसमें भी इसमें आसानी होती है ना। अब जो शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उसमें हम देख लेते हैं पहला क्षेत्र कौन सा आता है, तो उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र आता है पहला क्षेत्र। इसमें देखिए
बेरिंग सागर से लेकर दक्षिण में फिलिपिन सागर तक ही फैला हुआ है ना। देखिए ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये यहाँ पर जापान है और ये यहाँ पर फिलीपींस है। तो ये बेरिंग सागर ऊपर जो है रशिया वगैरह वाला जो क्षेत्र है वहाँ से लेकर अलास्का के इधर जो है आप देखा जाए तो वहाँ पर बेरिंग सागर वहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये क्षेत्र पूरा पड़ता है। और इस क्षेत्र में मत्स्य उद्योग जो है इसमें मुख्य रूप से जापान और सोवियत संघ यानी कि रूस और चीन, कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम जो है इन क्षेत्र में लगे हुए हैं मछली पालन में, ठीक है। और जापान का जो होनशु तट और क्यूरोशिवा की होनशु तट जो है वहाँ पर क्या होता है, क्यूरोशिवा और क्यूराइल मतलब आयुशिवो की धारा जो है आके मिलती है, इसकी वजह से यहाँ पर खूब मछलियों का उत्पादन होता है। और जापान में तो देखिए कृषि योग्य भूमि बहुत कम है, पहली बात तो वो वहाँ पर ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है तो वहाँ पर देखिए इतने तो ज्वालामुखी आते रहते हैं जब देखो तब, और वहाँ पर कृषि क्षेत्र भी बहुत कम है इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादातर जो है वो कृषि पर डिपेंड होते हैं। तो जापान के लोग जो है वो ज़्यादातर डिपेंड होते हैं इन्हीं मछली पालन पर ही वो डिपेंड होते हैं। देखिए जापान के चार मुख्य मुख्य द्वीप है, एक होकाइडू, एक होनशु, ठीक है, एक है शिकोकू और एक है क्यूशू। तो आप याद रखना होकाइडू, होनशु, शिकोकू और क्यूशू, HHSK है ना। होकाइडू सबसे ऊपर है, होनशु, शिकोकू और क्यूशू, ये चार द्वीप इसके हैं, है ना। तो इस बार देखिए सेंडाई यहाँ है, जो सेंडाई फ्रेमवर्क है तो सेंडाई यहाँ है। फुकुशिमा यहाँ पर जो है वो एक बार वो हो गया था, क्या कहते हैं उसे, माफ़ कीजिएगा, न्यूक्लियर रिएक्टर जो है यहाँ पर उसका दुर्घटना हो गई थी, ठीक है। यहाँ पर देखिए नोगोया प्रोटोकॉल वाला ये नोगोया है, माउंट फिजी यहाँ पर है, क्योटो प्रोटोकॉल वाला, क्योटो प्रोटोकॉल वाला जो क्षेत्र है क्योटो वो भी यहीं है, ओसाका सिटी है जो यहीं है, हिरोशिमा जिस पर बम गिराया गया था और ये नागासाकी जहाँ पर बम गिराया गया था वो यहीं पर है, ठीक है। तो जापान जो है वो मुख्यतः इस पर डिपेंड होता है। और यहाँ पर देखिए क्यूरोशिवा और आयुशिवा की गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है इसलिए यहाँ पर खूब मछली का उत्पादन भी होता है ना। गहरा कोहरा बनता है और प्लैंकटन अधिक पैदा होता है और मछलियाँ यहाँ पर ज़्यादा पाई जाती है। और जापान वगैरह में तो मछली जो है वो भोजन में खूब खाई जाती है क्योंकि वहाँ पर कृषि उत्पादन भी कम है एक तो, और फिर जहाँ मछली खाना जो है वहाँ के कल्चर से भी जुड़ा हुआ है, वो तो सिर्फ छोटी वाली मछलियाँ नहीं वो वेल तक मारते हैं, आगे डिस्कस करेंगे लास्ट में हम। इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन ने बैन लगा रखा कि वेल नहीं मार सकते आप, परंतु जापान जो है इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन से बाहर आ गया कि भाई हम तो वेल खाएंगे, हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है। और देखिए वहाँ पर दूसरे स्रोत ही नहीं है तो प्रोटीन वगैरह के वो कहाँ से पूरी करेंगे, तो मछलियों से ही पूरी करते हैं, ठीक है। जापान में जो मत्स्य उद्योग है वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर विकसित हुआ है और यहाँ की ज़्यादातर जनसंख्या इसीलिए देखिए तटवर्ती क्षेत्रों में ही निवास करती है। और जापान की तटरेखा आप देख लीजिए, कटी फटी जो तटरेखा है और ये मछलियों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि बंदरगाह जो है यहाँ पर आसानी से बनाए जा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जापान में कृषि योग्य भूमि बहुत कम है इसलिए उनको समुद्र पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और जापान में जो जहाजरानी निर्माण है वो भी बहुत बड़ा औद्योगिक केंद्र है, यहाँ पर जहाजरानी निर्माण का बड़ा औद्योगिक केंद्र माना जाता है जापान, क्योंकि कटी फटी यहाँ पर तटरेखाएं हैं तो यहाँ पर आसानी से उत्पादन वगैरह जो है जहाजों का वगैरह का निर्माण यहाँ पर किया जा सकता है। देखिए मछली पकड़ने के सबसे आधुनिक और स्वचालित नावों का यहाँ पर और उपकरणों का यहाँ पर क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, उनका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह की जाती है और उसकी वजह से फिर यहाँ पर खूब मछली पकड़ी जाती है। यहाँ पर देखिए हेरिंग हो गया, सार्डिन हो गया, टूना हो गया, सेलमन हो गया, कोड मछली हो गया, मैकरेल हो गया, शार्क, जो शार्क आप जानते हैं ना, शार्क भी खाते हैं यहाँ के लोग, केटल फिश हो गया, इस प्रकार की मछलियाँ ये पकड़ पकड़ के यहाँ पर खूब खाई जाती हैं। यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार की मछलियाँ हैं, आप देख लेना, ये रेप्स नंबर है, ये सोल है, ये मैकरेल है, ये टूना है ना, ये कोड फिश है, इसके लीवर से कोड लीवर निकाल जाता है, ये देखिए सेलमन फिश है, ठीक है ना, अलग अलग प्रकार की तमाम मछलियाँ होती है, ये कैट फिश है देखिए, तो खूब सारी मछलियाँ यहाँ पर पाई जाती है अलग अलग प्रकार की और उनको पकड़कर यहाँ पर खाया जाता है। क्यों खाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कृषि योग्य भूमि बहुत ही कम है। तो हमने एक क्षेत्र तो देख लिया, प्रशांत महासागर के पश्चिम वाला क्षेत्र जो है वो देख लिया, माफ कीजिएगा, उत्तर पश्चिमी, हाँ उत्तर पश्चिमी जो प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है वो हमने देख लिया। अब हम देखेंगे उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र देख लिया, अब देखेंगे उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र। तो ये कौन सा, कनाडा के से लगता हुआ जो क्षेत्र है ना वो ये क्षेत्र आता है। और यहाँ पर भी देखिए दो ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलती है, गल्फ स्ट्रीम नीचे से गर्म जलधारा जाती है और ऊपर से लेब्राडोर की जलधारा ठंडी जलधारा आती है। और मैं जब आपको जलधारा पढ़ा रहा था तो
तो मैंने आपको बताया था कि न्यूफाउंडलैंड द्वीप के पास से आसपास मिलती है और वहां पर खूब कोहरे, घने कोहरे का निर्माण होता है और यहाँ पर प्लैंकटन पैदा होते हैं, और प्लैंकटन पैदा होंगे तो क्या मछलियां यहाँ पर खूब पैदा होंगी। तो जो न्यूफाउंडलैंड द्वीप है, देखिए ये है न्यूफाउंडलैंड द्वीप है ना, और इससे लेकर ये संयुक्त राज्य अमेरिका के जो तटीय भाग है, माफ कीजिएगा, जो तटीय भाग है वहां तक ये फैला हुआ है, और इसमें नोवा स्कोशिया और क्यूबेक तट भी आते हैं। तो देखिए ये नोवा स्कोशिया ये किसके लिए प्रसिद्ध है, एप्पल की खेती के लिए, खेती के लिए प्रसिद्ध है, और ये है यहाँ पर देखिए क्यूबेक है ना। तो ये जो क्षेत्र है ये यहाँ पर मछली उत्पादन फिर खूब होता है। देखिए यहाँ से लेब्राडोर की धारा आती है और ये देखिए जा रही है गल्फ स्ट्रीम, इसीलिए यहाँ पर निर्माण होता है ग्रांड बैंक का, है ना। तो यहाँ पर बैंक जहाँ मछली उत्पादन होती है बहुत ज़्यादा, उनको बैंक कहा जाता है। तो एक उनमें से ग्रैंड बैंक भी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है वो है। और यहाँ पर देखिए जो महाद्वीपीय नवमग्न तट है यहाँ पर खूब चौड़ा है और कटाबटा तट भी आप देख सकते हो यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर मछली उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र ये बन के रह जाता है। और यहाँ पर देखिए जो उथले पुथले जल वाले क्षेत्र पाए जाते हैं उनको कहा जाता है बैंक, और उनमें से अगर देखा जाए तो ग्रैंड बैंक जो है वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और एक है जॉर्जेस बैंक है ना। न्यूफाउंडलैंड के पास से उत्तर की ओर देखा जाए तो देखिए लेब्राडोर की धारा आ रही है और ये आ रही है गल्फ स्ट्रीम, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। और जब ठंडी और गर्म जलधाराएं मिलेंगी तो क्या होगा, मछली उत्पादन होगा भाई। अब देखिए ग्रैंड बैंक जो है उसमें संसार में सबसे ज्यादा कॉड मछली जो है वो पकड़ी जाती है। कॉड मछली सबसे ज्यादा कहाँ पकड़ी जाती है, ऐसा क्वेश्चन बना दे यूपीएससी, तो जो ग्रैंड बैंक है वहां पर ये पकड़ी जाती है। और दूसरे और भी बैंक जैसे सेंट पीरी बैंक, ला हैव बैंक, सेबल द्वीप बैंक, बैंक्वेरी बैंक है ना। और कनाडा और का जो न्यूफाउंडलैंड और नोवास्कोशिया क्षेत्र है वहाँ पर कृषि योग्य भूमि बहुत ही कम है, जैसे कि एप्पल वगैरह की वहाँ पर खेती की जाती है, और साथ ही साथ वहाँ पर वर्धन काल भी बहुत कम होता है क्योंकि ठंड बहुत वहाँ पर पड़ती है, इसलिए ज़्यादा खेती वहाँ पर करी नहीं जा सकती है ना। इसलिए वहाँ के लोग ज़्यादातर मछली पकड़ने के पेशे में ही लगे हुए होते हैं, और इस क्षेत्र का अधिकतम मत्स्य जो है वो नोवा स्कोशिया और न्यूफाउंडलैंड के जो तट है वहां पर ही करे जाते हैं। और भी अगर इसमें बंदरगाह देखा जाए तो नोवा स्कोशिया हो गया, हेलीफैक्स हो गया, सेंट जॉन हो गया, बोस्टन और न्यूयॉर्क जो है, जैसे कि न्यूयॉर्क कहाँ है अमेरिका में, तो ये सब चीजें जो है यहाँ पर जो है मुख्य मुख्य बंदरगाह यहाँ पर पाए जाते हैं कनाडा और यूएसए के इस क्षेत्र में। यहाँ पर देखिए लॉबस्टर और ऑयस्टर जो होते हैं उनकी खेती खेती क्या कह आप कह सकते हैं कि समुद्री जो जीव हैं ये इनको भी पकड़ा जाता है, लॉबस्टर और ऑयस्टर वगैरह पकड़े जाते हैं। चेसापीक की खाड़ी है वो पूरे संसार में ऑयस्टर पकड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे चीज़ों पर देखिए यूपीएससी आजकल ज़्यादा फोकस कर रही है, कहाँ सबसे ज़्यादा जो है बड़ा ज्वार भाटा आता है तो फंडी की खाड़ी में आता है, इस प्रकार के बहुत, पहला जो सौर आपको कि प्लांट कहाँ लगा हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएससी आजकल खूब ज़्यादा पूछने लगी, तो हो सकता है यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ ले। तो सबसे ज़्यादा ऑयस्टर कहाँ पकड़े जाते हैं, तो चेसापीक की खाड़ी में पकड़े जाते हैं, और ग्रैंड बैंक में सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती है। देखिए ये है चेसापीक की खाड़ी है ना, ये पूरा अमेरिका वाला कनाडा वाला क्षेत्र है, ये अमेरिका वाला देखिए वाशिंगटन डीसी है, मेरीलैंड है ना, यहाँ पर ये अटलांटिक ओशन है और ये जो है चेसापीक की खाड़ी है। तो आपके दिमाग में होना चाहिए चेसापीक की खाड़ी कहाँ है, तो अमेरिका से लगती हुई अटलांटिक महासागर से में खुलती हुई एक खाड़ी है, कल को आपको बोल देगा कि वो है पैसिफिक ओशन में है ना। तो चेसापीक की खाड़ी हमने देख ली ऑयस्टर उत्पादन के लिए, ठीक है जी। अब आ जाते हैं उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर, अभी हमने उत्तर पश्चिम में देख लिया, अब उत्तर पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र हम देख लेते हैं। तो उत्तर पूर्वी अटलांटिक क्षेत्र में कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, यही यूनाइटेड किंगडम वाले, नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन वगैरह, फ्रांस हो गया, ये वाले क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। और इसका विस्तार आर्कटिक वृत्त से लेकर भूमध्य सागर तक इसका विस्तार है, आर्कटिक वृत्त जो है वृत्त पूरा यहाँ पर, और इससे लेकर भूमध्य सागर, देखिए यहाँ पर पूरा भूमध्य सागर, फ्रांस के इधर भूमध्य सागर है, आपको पता ही है। अगर नहीं आपको पता है तो वीडियो को पॉज करो और एटलस लेके आओ और वर्ल्ड का मैप निकालो यूरोप वाला, ठीक है। उत्तरी सागर में जो है सबसे अधिक मछली यहाँ पर पकड़ी जाती है, देखिए ये नॉर्थ सी है, ये यूके है ना, ये आयरलैंड है यहाँ पर, तो ये नॉर्थ सी है, ये इंग्लिश चैनल है, तो नॉर्थ सी में यहाँ पर सबसे ज़्यादा मछलियाँ पकड़ी जाती है, और जिसके अंदर डागर बैंक जो है वो महत्वपूर्ण है ना। डागर बैंक जो है यहाँ पर एक डागर बैंक जो है वो महत्वपूर्ण होता है, डागर बैंक, तो देखिए ये रहा डागर बैंक और ये है फिशर बैंक, तो दो बैंक जो है यहाँ पर महत्वपूर्ण है ना। तो डॉगर बैंक और फिशर बैंक जो है, जो दो बैंक यहाँ पर जो है जहाँ पर खूब मछली उत्पादन
किया जाता है, खूब मछलियाँ वहाँ पर पकड़ी जाती है। और यहाँ पर मछली पकड़ने वाले में सबसे बड़े देश जो है, महत्वपूर्ण देश कौन से, नॉर्वे हो गया, ब्रिटेन हो गया, स्वीडन, डेनमार्क, फ्रांस, पुर्तगाल जो देश हैं वो इसमें लगे होते हैं। ये फ्रांस देखें, यहाँ नीचे पुर्तगाल है, ठीक है, स्वीडन, नॉर्वे ये रहा स्वीडन, है ना, फिनलैंड वगैरह इधर, ये डेनमार्क है, ये नीदरलैंड्स है, ये यूके है। तो ये देश जो है मछली पालन में यहाँ लगे रहते हैं। और यहाँ पर शीतल जलवायु रहती है, वैसे देखा जाए तो ये क्षेत्र जो है बहुत ठंडा क्षेत्र होना चाहिए, परंतु जब मैं महासागर धाराएं पढ़ा रहा था तब भी मैंने तो बताया था आपको, क्योंकि फिर भी यहाँ की जो जलवायु है वो कोष्ण बनी रहती है, यानी थोड़ी सी उतनी ठंडी नहीं रहती। क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ से जो गल्फ स्ट्रीम आती है फिर वो नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट बन के आगे आती है और वो गर्म जलधारा होती है, इसकी वजह से इस क्षेत्र को भी वो थोड़ी गर्माहट प्रदान करती है ना, इसके वजह से यहाँ के जो बंदरगाह वगैरह है वो भी खुले रहते हैं। और मत्स्य उद्योग जो है उसके लिए कौन कौन से कारक यहाँ पर पाए जाते हैं, तो एक तो देखिए यहाँ पर बहुत ही उथला हुआ क्षेत्र पाया जाता है, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे बैंक है, उथला समुद्री क्षेत्र है, जैसे डॉगर बैंक है, एक ग्रेट फिशर बैंक है, इनकी लोकेशन मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, नॉर्थ सी में, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भूमि पाई जाती है इन देशों की वो पहाड़ी और पठारी भूमि है, इसलिए वहाँ पर कृषि ठीक से हो नहीं पाती, और कृषि ठीक से हो नहीं पाएगी तो आदमी कहाँ रहेंगे, समुद्र किनारे, और समुद्र किनारे रहेंगे तो खाएंगे क्या, मछलियाँ पकड़ के खाएंगे, है ना। और यहाँ पर मछलियों की भी स्थानीय मांग भी बहुत ज़्यादा होती है, जब मछलियों की मांग होगी खरीदने वाले होंगे तो लोग पकड़ने वाले भी ज़्यादा होंगे। देखिए ये है लॉबस्टर, केकड़े जैसा एक जीव होता है, बहुत बड़ा होता है ये, तो ये है लॉबस्टर, ठीक है। और यहाँ पर कटे पटे तट है, इसकी वजह से पोताश्रय के निर्माण का निर्माण भी यहाँ पर खूब अच्छे से हो पाता है, जिस प्रकार से हमने देखा था जापान में होता है उसी प्रकार से पोताश्रय, मतलब वहीं आप जहाँ पोतों का आश्रय बंदरगाह जो है वो आसानी से बन पाते हैं, और उसकी प्राकृतिक सुविधाएं भी यहाँ पर पाई जाती है। प्राकृतिक सुविधा मतलब बनाने की जरूरत ही नहीं है, बंदरगाह कटाफटे तट है इसलिए खुद ही बने पड़े हैं, है ना। फिर यहाँ पर देखिए हेरिंग हैक, हेलीबेट, स्केट, हेथलॉक, सार्डिन, लॉबस्टर, सील, व्हाइट फिश, इस प्रकार की अनेक प्रकार की मछलियाँ पकड़ी जाती है। तो लॉबस्टर तो देखिए ये मैंने दिखा दिया आपको, सील क्या है तो देखिए ये जीव है सील, इसने हमें सुन लिया है कि ये हमारी बात कर रहे हैं, बड़े गौर से ये सुन रही है, इससे पहले कि हम पे अटैक करें आगे चल लेते हैं। तो इस जो है इस सील का भी जो है शिकार किया जाता है और खाया जाता है इसको। फिर एक क्षेत्र आ जाता है उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र, तो प्रशांत महासागर, उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र कौन सा हो गया, कनाडा और अमेरिका के पश्चिम से लगता हुआ जो, तो पश्चिम समुद्र तट से लगता हुआ जो क्षेत्र है वो है उत्तरी पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र। इसमें देखिए अलास्का से लेकर कैलिफोर्निया तट तक इसमें उत्पादन किया जाता है मछलियों का, जिसमें ब्रिटिश कोलंबिया, ओरेगोन और कैलिफोर्निया आ जाते हैं। देखिए ओरेगोन आ गया, कैलिफोर्निया आ गया, है ना, ये वाले ब्रिटिश कोलंबिया वगैरह इधर कनाडा में, ये सारे क्षेत्र इसमें आ जाते हैं। और यहाँ पर कनाडा और यूएसए के द्वारा मछलियाँ पकड़ी जाती है। और ये क्षेत्र भी देखिए कटाफटा है, यहाँ पर तट देखिए इस प्रकार से, यहाँ पर ये जो कैलिफोर्निया की खाड़ी है, तो कटाफटा तट होने की वजह से यहाँ पर पोताशियों का निर्माण भी आसानी से किया जा सकता है। और कैलिफोर्निया तो जो है, कैलिफोर्निया ये डिब्बाबंद मछली उद्योग के लिए बहुत फेमस है, तो यूपीएससी पूछ लेगी कि कैलिफोर्निया जो है वो डिब्बाबंद मछली के उत्पादन के लिए फेमस है, तो हाँ कैलिफोर्निया है इसके लिए, है ना। फिर इस तट के प्रमुख बंदरगाह देख ले तो एंकरेज आ गया, वैंकूवर आ गया, सैन फ्रांसिस्को आ गया, तो देखिए ये है वैंकूवर, ये है यूएसए में सैन फ्रांसिस्को, है ना, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, है ना, 1913 ईस्वी में, ठीक है जी, ये हमने देख ली। और यहाँ सबसे ज़्यादा पकड़ी जाने वाली मछलियाँ कौन सी है, यहाँ पर पकड़ी जाती है हेरिंग, कॉड, पिलकार्ड, हेलीबट और सार्डिन मछलियाँ यहाँ पर पकड़ी जाती है। और वेल नामक संसार की प्रसिद्ध विशाल मछली ठंडे ध्रुवीय क्षेत्रों में ही मिलती है, और जापान जो है वो सबसे अधिक वेल मछलियाँ पकड़ता है, और कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया में भी ये मछलियाँ पकड़ी जाती है। तो देखिए इतनी प्रकार की वेल मछलियाँ होती हैं और ये सारी मछलियाँ पकड़ पकड़ के खाई जाती है। ये ब्लू वेल है, है ना, ये फिन वेल है, किलर वेल है, ये हम्पबैक वेल है, ये मिंक वेल है। इस मिंक वेल का जो है शिकार किया जाता है सबसे ज़्यादा कहाँ पर, जापान में, है ना, ये सदर्न राइट में है, ये स्पर्म वेल है, ये पायलट वेल है, ये सी वेल है, इसका भी जो है खूब ज़्यादा शिकार किया जाता है। देखिए ये होती है कमर्शियल वेलिंग, इस प्रकार से खूब बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं वेल, इनको पकड़ कर खाया जाता है जापान वगैरह में, क्योंकि वहाँ पर खेती की करने के लिए भूमि बहुत कम है, इसलिए वो क्या खाएंगे, यही खाएंगे, अपनी प्रोटीन वगैरह की पूर्ति कहाँ से करेंगे, यहीं से करेंगे। अब देख लेते हैं इससे रिलेटेड एक है इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन, तो आप कहोगे सर अब हिंदी में पढ़ाते पढ़ाते इंग्लिश कहाँ से लिया है, मैंने पहले आपको कहा है यूपीएससी के सफर में कभी भी भाषाओं से ऐतराज़ मत करिएगा, खासतौर से इंग्लिश से तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि जितना मटेरियल आपको इंग्लिश में मिल सकता है उतना हिंदी में आपको
नहीं मिलेगा तो देखिए इंटरनेशनल वैली कमीशन है, इसके साइट से मैं ये मटेरियल लेके आया हूँ, तो वहाँ हिंदी में मिलेगा। अगर मिलेगा भी ना तो अर्थ का अनर्थ क्या हुआ मिलेगा, मैं आपको समझाऊंगा ना क्या लिखा हुआ है। मैं भी आपके जैसे हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ, मगर इंग्लिश जो है ये ज़िंदगी ने सिखाई है। तो ये है इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन, इसकी मैं जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहाँ से ही मैं लेकर आया हूँ। तो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन की स्थापना हुई थी 1946 ईस्वी में, यह याद रखना एक तो, ठीक है। साथ ही साथ ये एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, ये याद रखना, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। 1946 में इसकी स्थापना हुई थी और अभी तक इसके देश जो हैं इससे जुड़े हुए वो हैं लगभग 88 देश जो हैं इसके सदस्य हैं और भारत में उनमें एक है, ठीक है ना। इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन जो है वो रेगुलेशंस बनाता है वेलिंग के लिए, यानी वेल का शिकार करने के इससे रिलेटेड जो भी रेगुलेशंस होंगे, जो नियम कानून कायदे बनाए जाएंगे, वो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन के द्वारा ही बनाए जाते हैं, है ना। और सारे के सारे जो मेंबर गवर्नमेंट्स हैं वो सिग्नेटरी है इस कन्वेंशन के, है ना। ये इंटरनेशनल वेलिंग कन्वेंशन जो है, इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ वेलिंग जो है, इस कन्वेंशन के सदस्य हैं, इसके जितने भी देश सदस्य हैं वो इसके भी सिग्नेटरीज हैं, ठीक है ना। और अब ये न्यूज़ में क्यों था, तो ये न्यूज़ में इसलिए था कि जापान जो है, जापान में इंटरनेशनल वेलिंग जो है उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया गया था इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन के द्वारा, पर इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन की सदस्यता त्यागने का निर्णय ले लिया जापान ने कि भैया हम 2019 से इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन की सदस्यता ही त्याग देंगे, परंतु हम जो है वो वेल का शिकार करना नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि भैया हम, ये हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर हमारे भोजन की आपूर्ति इससे होती है, फूड सिक्योरिटी का मामला है ना, तो इसकी वजह से हम ये नहीं छोड़ सकते, इसलिए ये न्यूज़ में आया था, है ना। अब वेलिंग यानी वेल का शिकार जो है इसको तीन भागों में बांटता है, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन तीन भागों में बांटता है। एक तो अबोरिजिनल्स, मतलब जो जनजातीय लोग हैं उनके द्वारा शिकार करने वाला। एक होता है कमर्शियल वेलिंग, यानी कि जो व्यापारिक रूप से कमर्शियल वेलिंग कर, जो वेलिंग का, वेल का शिकार करते हो, यानी कि वो शिकार करेंगे फिर जाके बेचेंगे फैक्ट्रियों में डिब्बा बंद करके उनको, वो वाली हो गया। एक होता है कि साइंटिफिक पर्पज के लिए, साइंटिफिक पर्पज के लिए मतलब खोजबीन करने के लिए, किसी वेल को मार करके फिर देखेंगे कि भाई इसके ऑर्गन कैसे काम करते हैं, क्या क्या इसमें है क्या नहीं है, इस प्रकार का कोई है, तो तीन प्रकार का इसमें माना जाता है। तो देखिए जो ये वेलिंग, ये जो कमर्शियल वेलिंग होता है इसको तो पूर्णतया ये बैन करता है कि कमर्शियल वेलिंग नहीं होना चाहिए। जो अब ओरिजिनल्स वाली वेलिंग है, यानी जनजातीय लोग जो वेल का शिकार करते हैं अपने जीवन निर्वाह के लिए, सिर्फ खाने के लिए, कोई कमर्शियल यूज के लिए नहीं, उसको ये परमिशन दे देता है। पर जो ये साइंटिफिक वाला जो है, इससे रिलेटेड जो है वो ये रेगुलेट नहीं करता है। जो साइंटिफिक वाला है इसके लिए स्पेशल परमिट की आवश्यकता होती है, और ये स्पेशल परमिट की को रेगुलेट कमीशन नहीं करता, बल्कि नेशनल गवर्नमेंट्स जो होती है ना देशों की, वहीं इसको रेगुलेट करती है। और अब तक देखें ऐसा कोई भी रेगुलेशन किसी देश के द्वारा नहीं किया जाता, ये वाली बात है आपको याद रखनी है ना। स्पेशल परमिट वेलिंग इज नॉट रेगुलेटेड बाय द कमीशन बट बाय द नेशनल गवर्नमेंट्स, ऑल्दो नन करेंटली अंडरटेक दिस टाइप ऑफ वेलिंग। तो आप भी तक कोई भी जो स्पेशल टाइप की वेलिंग जो होती है, यानी साइंटिफिक यूज के लिए, वो कोई भी ऐसी वेलिंग फिलहाल में नहीं करता है, ये इसके बारे में जानकारी हो गई। और इसके मेंबर कंट्रीज अगर आप देखो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन की, तो आप देख सकते हो, देखिए जो ब्लू वाले में दिखाए गए ये इसके मेंबर कंट्रीज इसके होते हैं, तो जापान वगैरह ने इसकी जो है वो छोड़ दी है, अमेरिका इसका है मगर कनाडा नहीं है, देखिए है ना। और बहुत सारे देश हैं, आप तो समझो कि भारत चीन वगैरह तो इसके देश हैं, ठीक है, यूएसए भी इसका देश है, इसका सदस्य है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम इसको देखा जाए तो 1946 में इसकी स्थापना हो गई थी, 1982 में इसने जो वेलिंग होती थी कमर्शियल वेलिंग उस पर बैन लगा दिया था, है ना, उस पर बैन लगा दिया गया था कि भैया कोई भी वेलिंग जो है कमर्शियल वेलिंग नहीं करेगा, परंतु जापान जो है वो नहीं मान रहा है, और उसने कह दिया कि भाई 2019 तक आते आते तो हम सदस्यता ही त्याग देंगे। तीन प्रकार की इसमें वेलिंग की बात कही गई है। एक होती है जो जनजातीय लोग करते हैं, यानी अबोरिजिनल्स, यानी जो मूल लोग हैं वो जीवन निर्वाह के लिए करते हैं, उसके लिए परमिशन है। एक होता है कमर्शियल वेलिंग, यानी कमर्शियल वेलिंग मतलब जो वेलिंग करी जाती है बेचने के लिए, व्यापारिक धंधे की, व्यापारिक इस्तेमाल के लिए, उसको भैया मना कर रखे नहीं कर सकते। एक होता है साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक खोजबीन के लिए,
इसके लिए स्पेशल पर्पज चाहिए, जो स्पेशल परमिशन चाहिए। तो ऐसे स्पेशल परमिशन जो इसको रेगुलेट कौन करता है, इसको ये इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन नहीं करता है, इसको जो राष्ट्रीय सरकारें होती हैं ना देशों की वही करती हैं। परंतु आज तक अभी तक ऐसा कोई भी जो है ऐसा कोई परमिशन या ऐसी कोई जो है वैज्ञानिक वेलिंग जो है कोई नहीं करता है। और 88 कंट्रीज इसके सदस्य हैं और एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इतना इसके बारे में जानना काफ़ी है। तो आज हमने मत्स्य क्षेत्र के बारे में जान लिया, जिसमें उष्णकटिबंधीय मत्स्य क्षेत्र जो होते हैं वो, और शीतोष्णकटिबंधीय मत्स्य क्षेत्रों के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली। कौन से क्षेत्रों में जो है मत्स्य उत्पादन किया जाता है, कौन कौन से महत्वपूर्ण बैंक हैं, उन सब के बारे में हमने जानकारी हासिल कर ली है ना। और यहाँ से देखिए क्वेश्चन बन सकते हैं मेंस में, प्रीलिम्स में, कहीं से भी, कहीं पे भी है ना। तो कनेक्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मछली उत्पादन की जाती है, यहाँ पर की जाती है, कोई भी देखा न्यू फॉर्मलैंड में करी जाती है, डागर बैंक कहाँ है, ये नोवा स्कोशिया कहाँ है ना। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। और इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दी हुई है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी अगर आपका कोई भाई बंधु दोस्त मित्र सखा है जो पढ़ाई करना चाहता है, कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आप जो है चैनल को शेयर कर सकते हैं है ना। उससे देखिए थोड़ा बहुत हमें भी मोटिवेशन मिल जाएगा और ज़्यादा वैसे भीख में मांगूंगा नहीं लाइक कमेंट सब्सक्राइब का, ठीक है ना। आपको अच्छा लगता हो, आपको लगा लगे कि उपयोगी है तो आप कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं अपना काम जारी रखूंगा। जब आप अपना काम नहीं छोड़ते तो मैं अपना काम भी छोड़ दूँ, है ना भाई। विवेकानंद वाली बात, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। आप रुको ना रुको, मैं तो नहीं रुकूंगा। तो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं समाप्त कर लेते हैं। और आपको कोई सलाह देनी हो या कोई सलाह लेनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।